आम आदमी की जेब पर एक बार फिर से डाका पड़ा है। पेट्रोल की कीमतों में प्रति लीटर 1.82 रूपये का इजाफा कर दिया गया है। एक महीने के भीतर तीसरी बार पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए हैं। पेट्रोल फिर चलाएगा जेब। पेट्रोल की कीमतों में 1.82 रूपये का फिर इजाफा। दिल्ली में पहले पेट्रोल 66.39 रूपये प्रति लीटर की दर से मिलता था, अब 68.21 रूपये प्रति लीटर की दर से मिलेगा। कोलकाता में पहले पेट्रोल 73.79 रूपये प्रति लीटर की दर से मिलता था, अब 75.61 रूपये प्रति लीटर की दर से मिलेगा। मुंबई में पहले कीमत 74.60 रूपये थी, नई कीमत 76.42 रूपये प्रति लीटर होगी। चेन्नई में पुरानी दर 69.39 रूपये थी, नई कीमत 71.21 रूपये प्रति लीटर होगी। कीमतें बढ़ाने के पीछे तेल कंपनियों ने एक बार फिर घाटे का हवाला दिया है। जेब पे असर पड़ेगा हमारी, मतलब जो कम में अपना काम चलता था, जो पेट्रोल अब 2-3 दिन चल जाता था वो कम चलेगा, ऊपर से पैसे भी ज्यादा रहेंगे। तेल कंपनियों की दलील है कि डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में रिकॉर्ड गिरावट आई है, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। ऐसे में कीमतें बढ़ाना बेहद जरूरी हो गया था। इसी महीने की 16 तारीख को ही पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए का इजाफा हुआ था, तब भी कच्चे तेल की कीमतों का हवाला देकर बढ़ोतरी की गई थी। अब 2 हफ्ते से भी कम वक्त में एक बार फिर जनता को अपने हाल पर छोड़कर सरकार ने पेट्रोल के दाम में आग लगा दी है। अजीत यादव, दिल्ली, इंडिया न्यूज़।